हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही हेल्दी, क्विक एंड बहुत ही इजी है समर सीजन के लिए। इसमें सारे वेजिटेबल्स इंक्लूडेड हैं और किड्स के लिए तो बहुत ही अच्छी है ये रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी जल्दी से। तो रेसिपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 3 to 5 कप्स ऑफ वाटर। पानी को अच्छे से उबाल लेना है। जब तक वो जोर जोर से नहीं उबलता तब तक हमें उसे उबालना है और फिर गैस को बंद कर देना है। इसके बाद मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून शुगर। इसे अच्छे से स्टर करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद सारे वेजिटेबल्स डालेंगे हम। 1/2 कप कैरेट, छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में काटा हुआ। उसके बाद कॉलीफ्लावर छोटा छोटा काटना है। उसके बाद फ्रेंच बीन्स। ये सारे वेजिटेबल्स, आपको जो वेजिटेबल पसंद है वो थोड़ी ज़्यादा आप ले सकते हैं आपके चॉइस के हिसाब से। उसके बाद मैं लूँगी ब्रोकोली और फिर उसके बाद ग्रीन पीस। इसे थोड़ा सा स्टर करेंगे और अब इसे हम कवर करके रख देंगे फॉर 10 to 15 मिनट्स। मैंने गैस को पहले से स्विच ऑफ कर दिया था, तो जब तक ये हम कवर करके रख देते हैं ऑलमोस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स, ये सारे वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाएंगे और उनका क्रंच भी वैसे ही रहेगा। तो इसलिए हमें इन वेजिटेबल्स को उबालना नहीं है इस रेसिपी के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट आफ्टर 15 मिनट्स हम इन सारे वेजिटेबल्स को ड्रेन करेंगे, पूरा पानी निकाल देंगे इसका। सारे वेजिटेबल्स को हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। ऑलमोस्ट 15 टू 20 मिनट्स में पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे। इसके बाद हम इसे यूज करेंगे हमारी सैलड बनाने के लिए। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में हम लेंगे स्वीट कॉर्न। ये बॉइल्ड स्वीट कॉर्न है, 1 कप बॉइल्ड स्वीट कॉर्न लेंगे। उसके बाद एप्पल, चॉप एप्पल छोटे छोटे पीसेस में काटना है, एप्पल भी। के बाद हम लेंगे ये सारे वेजिटेबल्स जो पूरे के पूरे ठंडे हो चुके हैं। उसके बाद मैं डालूंगी 1 कप दही। थिक कर्ड्स लेना है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ क्रीम। 2 टेबलस्पून डाल रही हूं मैं। सॉल्ट टू टेस्ट। इसके बाद धनिया और जीरा पाउडर 1 टीस्पून एंड 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इसके बाद मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून दूध। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे हल्के हाथ से। सो हियर इट इज, आवर फ्रूट एंड वेजी सैलेड इज रेडी। इसे सर्व करने से पहले आपको इसे फ्रिज में अच्छे से ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि ये चिल होने के बाद ही अच्छा लगता है, ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो डू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब्ड। एंड अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड डू टेक केयर, बाय।